हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड साइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की ईवीएस बुक से चैप्टर 15, और चैप्टर 15 का टाइटल है बच्चों मेकिंग पोट्स। यानी पोट्स यानी जो मिट्टी का बर्तन होता है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, ये किस तरह से मिट्टी का बर्तन बनता है और उसके बारे में। तो एक स्टोरी है इसके अंदर टू बर्ड्स के बारे में, तो जो बर्ड्स हैं उनकी स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी के बीच में हम लोग जानेंगे कि पोट्स किस तरह से बनते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो बच्चों तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड साइड प्रिपरेशन, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल है आपके जो चैप्टर का वो मेकिंग पोट्स, मेकिंग यानी बनाना, पोट्स यानी मिट्टी के बर्तन। तो जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है बच्चों, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है वंस देयर वाज ए स्पैरो कॉल्ड फुगड़ी। एक स्पैरो है इस स्टोरी के अंदर बच्चों, एक स्पैरो, और उस स्पैरो का जो नाम है बच्चों उसका नाम है फुगड़ी। और इसके अलावा एक और वर्ड है बच्चों और उसके बारे में भी आपको बताया जा रहा है, एंड अ क्रॉ कॉल्ड भनाटे। और इसके अंदर एक क्रॉ भी है, यानी कौवा भी है, कौवा के साथ स्पैरो भी है। तो बच्चों आपको नाम याद रखना है कि जो क्रॉ है बच्चों, क्रॉ का नाम क्या है, भनाटे है, स्पैरो जो है उसका नाम है फुगड़ी। दे वर फास्ट फ्रेंड वन डे भनाटे सेड, ओ फुगड़ी, बनाटे क्या बोलते हैं, ओ फुगड़ी, इफ यू ले एग्स फर्स्ट देन आई विल ईट देम, एंड इफ आई ले एग्स फर्स्ट देन यू कैन ईट देम, एग्रीड। तो एक दिन क्या होता है, जो फुगड़ी और जो बनाटे हैं, टू बर्ड है इसके अंदर बच्चों, जो बनाटे हैं बच्चों वो कौवे का नाम है और जो फुगड़ी है वो स्पैरो का नाम है, ठीक है। तो जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, ये तो भाई जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है छोटी सी बर्ड जो है, ये तो स्पैरो है, और ये जो ब्लैक कलर का जो बर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है, क्रो है। तो ये दोनों काफी दिनों से पुराने फ्रेंड हैं और इन दोनों की स्टोरी है इसके अंदर। तो स्टोरी में आपको बताया जा रहा है कि जो भनाटे है बच्चों, भनाटे फुगड़ी के पास आता है और कहता है ओ फुगड़ी, क्या बोलता है, ओ फुगड़ी, इफ यू ले एग्स फर्स्ट आई विल ईट देम, एंड इफ आई ले एग्स फर्स्ट देन यू कैन ईट देम। यानी इसका मतलब ये है कि भाई ये भनाटे आता है, ये कहता है कि स्पैरो जिसका नाम है फुगड़ी, अगर तुम अंडा देती हो पहले तो मैं खा लूंगा, अगर मैं अंडा पहले दूंगा तो तुम खा लेना, ठीक है, क्या तुम इस शर्त लगाने के लिए तैयार हो, एग्री हो तुम इस चीज से, ऐसा ये पूछता है। तो फुगड़ी जो फुगड़ी है वो रिप्लाई करती है, फुगड़ी एग्रीड, एग्री का मतलब होता है बच्चों कि भाई सहमति देना, हाँ भर देना। जैसे आप लोगों से भी जब मैं पूछता हूँ क्या आपने प्रीवियस चैप्टर देखा, तो बहुत बच्चे बोलते हैं यस सर हमने 14 चैप्टर देखा था, और कुछ बच्चे कहेंगे, कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग रिप्लाई किया करो, जब आप यस बोलते हो इट मीन्स आप रिप्लाई कर रहे हो मुझे। उसी तरह से यहाँ पे कौन है बच्चे, जो फुगड़ी है, फुगड़ी वो रिप्लाई करती है, क्या रिप्लाई करती है, एग्रीड, कि मैं तुम्हारे इस शर्त से, यानी जो ये बैट लग रहा है एक तरह से, शर्त लगा रहे हैं हमने, यानी जो भी भनाटे ने बोला इस बात से ये फुगड़ी एग्री हो गई, यानी इन दोनों में जो भी एग पहले देगा, अगर क्रो ने एग पहले दिया तो बच्चों स्पैरो खा लेगी, अगर स्पैरो ने एग पहले दिया तो भनाटे खा लेगा, भनाटे यानी क्रो खा लेगा, ठीक है, तो ये एग्री हो जाती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं भाई आगे क्या होता है। फुगड़ी एग्रीड, अ फ्यू डे लेटर फुगड़ी लेट एन एग, और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जो ये फुगड़ी है यानी जो स्पैरो बच्चों, ये अंडा देती है, भनाटे सेड, और उसके बाद भनाटे यानी जो कौवा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कहता है कि भनाटे सेड गिव मी योर एग, क्या बोलता है, गिव मी योर एग। आप लोगों को मालूम है कि इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी कि जो भी एग पहले देगा, एग यानी जो अंडा पहले देगा वो दूसरे को खाने के लिए दे देगा, अगर स्पैरो ने अंडा पहले दे दिया तो स्पैरो क्या करेगा, क्रो को खाने के लिए दे देगा, अगर क्रो ने पहले अंडा दिया तो क्रो क्या करेगा, स्पैरो को खाने के लिए दे देगा। तो इस तरह से जो इन्होंने एक तरह से शर्त लगाई थी, एक तरह से डील किया था, उस डील के अकॉर्डिंग स्पैरो ने जो बर्ड है बच्चों एग दिया है इस एग को खाने के लिए, यानी इस अंडे को खाने के लिए, क्रो यानी भनाटे बोलता है गिव मी योर एग, मुझे अपना अंडा दे दो, आई विल ईट इट, यानी मैं इसको खा लूंगा, डू गिव इट, गिव इट, गिव इट, ये कहता है कि मुझे दे दो मुझे दे दो, इसलिए ताकि ये जो भनाटे है इसका अंडा खा सके, इसलिए वो उसे बार बार अंडा मांग रहा है। लेकिन अब जो फुगड़ी है यानी स्पैरो है, अब ये क्या रिप्लाई करती है, सुनो, फुगड़ी वॉज स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स डरना एक तरह से, ठीक है, जो फुगड़ी है वो स्केयर्ड हो जाती है यानी डर जाती है,
अब डरती क्यों है वो इसलिए बच्चों क्योंकि इसने अंडा दिया है। अब इस अंडे में से एक बेबी स्पैरो निकलेगी, यानी इसका एक बच्चा होगा ना उस अंडे में से, तो ये नहीं चाहती कि इसका बच्चा होने से पहले ही कोई एग उसका खा ले, तो इसलिए थोड़ी सी डर सी गई। फुगड़ी क्या होती है बच्चों, डर जाती है, तो इसलिए यहां बोला जा रहा है फुगड़ी वाज स्केयर्ड, थोड़ी स्केयर्ड होगी, थोड़ी सी डर सी गई। अब क्यों, अब आगे से पढ़ेंगे हम लोग। सी सेड, अब वो कहती है यस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद जो स्पैरो है वो एग्री हो जाती है कि भाई तुम मेरा अंडा ले लो, कोई बात नहीं, वो यस बोल देती है कि तुम मेरा अंडा ले लो, बट लेकिन एक कंडीशन लगाती है। वो क्या कहती है, कंडीशन लगाती है। अब कंडीशन क्या है उसे पढ़ते हैं। बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम पहले क्या करना है, पहले लो भाई पढ़ते हैं इधर इधर रुको एक मिनट, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। यू फर्स्ट गो एंड वॉश यूर बीक, बीक यानी चोच, बीक इन द रिवर। लेकिन फुगड़ी कहती है कि यस मैं अपना एग यानी अंडा तुम्हें दे दूंगी, ठीक है मैं तुम्हें अपना अंडा दे दूंगी, लेकिन मेरी कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है वो सुनते हैं भाई। तो इसकी कंडीशन कहती है सबसे पहले तुम क्या करो, गो एंड वॉश योर बीक, यानी तुम सबसे पहले क्या करो, जाओ और अपनी चोच को धो के आओ इन द रिवर, कहाँ पे, नदी में, जाओ नदी में और नदी के पास जा करके तुम अपनी जो चोच है इसको धो करके आओ पहले, उसके बाद मैं तुम्हें क्या दूंगी, अंडा खाने के लिए दे दूंगी। अच्छा बच्चों याद आपको ये रखना है, जो अंडा दिया है बच्चों किसने, स्पैरो ने दिया है, लेकिन जो क्रो है, क्रो यानी जो भनाटे हैं, भनाटे उसे खाना चाहता है, और स्पैरो यानी जो फुगड़ी है उसने अंडा दिया है, तो अंडा किसका है, स्पैरो का है, और खाना कौन चाहता है, क्रो यानी भनाटे उसे खाना चाहता है। ठीक है, तो यहां तक स्टोरी क्लियर है ना, अगर क्लियर है तो नीचे कमेंट करके बताओ यस, अगर नहीं क्लियर है तो भाई नो भी लिख सकते हो, ठीक है, तो मुझे ऐसे पता भी लगेगा ना जब आप रिप्लाई करोगे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। भनाटे वेंट टू द रिवर बैंक एंड सेट टू इट। अच्छा, बैंक मीन्स होता है रिवर बैंक का मतलब होता है बच्चों जो रिवर यानी जो नदी है, नदी का जो किनारा होता है उसको रिवर बैंक बोला जाता है, यानी आप कह सकते हो इसका तट, हिंदी में तट बोलते हैं ना, नदी का किनारा, नदी का तट, या फिर आप कह सकते हो रिवर बैंक। तो भनाटे रिवर बैंक यानी नदी के किनारे जाता है और रिवर से कहते हैं, क्या कहते हैं पढ़ते हैं भाई, ओ रिवर, पहले वो आवाज लगाता है उसको, क्या बोलता है, ओ रिवर। तो फिर जो रिवर है वो रिप्लाई करता है भाई, यस ब्रदर सेड द रिवर, जो रिवर है वो कहता है यस ब्रदर, हाँ मेरे भाई बोलो, जैसे हम लोग बोलते ना कि मान लो कोई तुम्हें आवाज लगाता है कि अरे सुनो भाई इधर, तो तुम उसे आवाज, हाँ भाई बोलो, रिप्लाई करते हो ना। सिमिलरली यहाँ पे जो रिवर है वो भी उसने भी रिप्लाई किया, और रिप्लाई कैसे किया, यस ब्रदर, क्या बोला उसने, यस ब्रदर। द भनाटे, अब भनाटे जो है वो कुछ बोलता है, ये देखो भनाटे क्या बोलता है, ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर, क्या बोलता है कि प्लीज गिव मी सम वाटर। जो रिवर के पास बहुत सारा पानी होता है बच्चों, भी आप लोगों ने देखा ही होगा जो रिवर होता है बच्चों उसके पास बहुत सारा पानी होता है, तो ये कहता है कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो भाई। ठीक है, अब पानी किस लिए, भाई जो शर्त लगी थी ना, जो फुगड़ी ने बोला था कि जाओ अपनी चोच को धो के आओ पहले, जब मैं तुम्हें एग दूंगी खाने के लिए, तो रिवर को बोलता है रिवर मुझे पानी दे दो, तो रिवर कहता है ओके। जो रिवर है वो क्या बोलता है, अब सुनो भाई आगे, तो एक मिनट, उस तो उसने पहले तो उसने पूछा ना बच्चों, उसने पहले पूछा कि मुझे उसने जो क्या नाम है, जो भनाटे हैं वो रिवर से पहले पूछता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पानी चाहिए, तो फिर पानी कितना, थोड़ा सा पानी चाहिए, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर। ठीक है, अब वाटर क्यों चाहिए, ये देखो बच्चों, अब आपके पास ये रेक्टेंगल बॉक्स है बच्चों, और इस बॉक्स के अंदर स्काई ब्लू कलर में आपके पास मेंशन है कि इसे क्यों चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इसे पढ़ते हैं, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक। देखो कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आई विल, और कहीं कहीं आई डब्ल्यू आई डबल एल लिखा होगा बच्चों, तो इसका इसकी जो मीनिंग होती है बच्चों, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी मीनिंग होता है आई विल। ठीक है, इसे क्या रीड करोगे, आई विल रीड करोगे। तो जो भनाटे बोलता है कि विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक, कि भाई मैं इस पानी से क्या करूंगा, इस कोल्ड पानी से यानी ठंडे पानी से मैं अपनी चोंच को धोऊंगा, साफ करूंगा उसे, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अंडा खाऊंगा, तो अंडा खाने के लिए ही मुझे अपनी चोंच को साफ करना है, इसलिए मुझे पानी चाहिए, सिंपली इस चीज के लिए वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि पानी क्यों मांग रहा है, पानी भी अपनी बीक को क्लीन करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई, द रिवर सैड, ठीक है, अब जो रिवर है वो कहते हैं द रिवर सैड बट हाउ विल यू फिल वाटर,
लेकिन तुम पानी कैसे भरोगे, मतलब पानी किस में भरते हैं बच्चों? हम लोग यूटेंसिल में भरते हैं, बर्तन में भरते हैं, कटोरी में भरते हैं, बाल्टी में भर सकते हैं, वाटर बोतल में भर सकते हैं, यानी आपके पास कोई ना कोई एक कंटेनर या फिर यूटेंसिल, यूटेंसिल यानी कि कोई बर्तन होना चाहिए ना जिसके अंदर आप पानी भर सको। तो रिवर कहता है बट हाउ विल यू फिल वाटर, लेकिन तुम पानी किस कैसे भरोगे, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। तो कहता है गेट अ पोट, तुम ऐसा करो एक पोट लेके आओ, पोट यानी कि मिट्टी का एक बर्तन लेके आओ। किस लिए भाई? उसी में तो रिवर उसके पानी देगा ना। तो कहता है पहले अपने लिए एक पोट लेके आओ और उसके बाद ही मैं तुम्हें क्या दूंगा, पानी दूंगा। अच्छा अब भनाटे क्या करता है भाई, सुनो। भनाटे वेंट टू द पोटर एंड सेड, ओ पोटर प्लीज गिव मी अ पोट। अच्छा पोटर मीन्स होता है बच्चों समबडी हु मेक पोट, जो पोट बनाता है, या फिर आप ऐसे भी कहते हो पोट मेकर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पोटर बोल देते हैं, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसी को तो पोटर या फिर कुम्हार बोलते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन में भी है, ये देखो ये अंकल और आंटी क्या कर रहे हैं, मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं। देखो जब दिवाली आता है बच्चों तो दिवाली में दिए वगैरह बनते हैं, और दिए कौन बनाता है, वो भी पोटर ही बनाता है, पोटर यानी कि पोट मेकर, ऐसे याद रखोगे। पोटर मीन्स क्या होता है, पोट मेकर, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो जो भनाटे हैं वो किसके पास जाता है, इनके पास जाता है, पोटर के पास जाता है और कहता है ओ पोटर, क्या बोलता है, ओ पोटर प्लीज गिव मी अ पोट, मुझे एक मिट्टी का बर्तन दे दो। क्या बोलते हैं कि मुझे कोई एक बर्तन, मिट्टी का बर्तन कह सकते हैं, पोट मुझे दे दो भाई। अब किस लिए बर्तन दे दो भाई, आपको मालूम ही है बच्चों उसके उसके अंदर वो क्या चाहता है कि पानी भरना चाहता है। तो जब वो बर्तन लेके जाएगा तभी तो रिवर उसे पानी देगा ना, तो इसलिए अब रीजन बता रहा है, सुनो। इन द पोट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, जो पोर्ट होगा बच्चों उस पोर्ट में क्या करूंगा कि मुझे पानी मिलेगा, और पानी मुझे कौन देगा, रिवर देगा बच्चों। तो कह रहा है इन द पोर्ट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, कि जो पोर्ट है इस पोर्ट के अंदर मैं पानी लूंगा, किससे, मैं रिवर से पानी लूंगा। अब भाई पानी क्यों लोगे, उसके बारे में बता रहा है, विद कोल्ड वाटर, जो ठंडा पानी मिलेगा बच्चों, ठीक है, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, और उस कोल्ड वाटर से यानी ठंडे पानी से क्या करूंगा, अपना जो बीक है यानी जो चोंच है उसको मैं साफ करूंगा, वॉश करूंगा, क्लीन करूंगा, ठीक है। और ऐसा किस लिए, ईटिंग द एग इज व्हाट आई सीक, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे अंडा खाने को मिल जाए भाई। अब कहोगे सर अंडा खाने के लिए क्या हमें चोंच धोना पड़ता है, हाँ भाई फुगड़ी ने बोला है ना, फुगड़ी ने क्या बोला है कि मैं अंडा जब दूंगी जब तुम अपना चोंच धोके आओगे, अगर तुम चोंच धोके आओगे तो मैं तुम्हें अंडा खाने को दे दूंगा। इसलिए ये जो क्रो है, क्रो जिसका नाम यहाँ पे क्या है, भनाटे है बच्चों, ठीक है। तो भनाटे क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये किसके पास गया, सबसे पहले ये स्पैरो ने बोला उसको कि भी जो धोके आओ अपना चोंच को यानी बीक को, तो रिवर के पास गया। तो रिवर ने उसे क्या बोला कि जाओ तुम पहले पोट लेके आओ, उसके अंदर मैं तुम्हें पानी दूंगा, ठीक है। अच्छा इसलिए पोट लेने के लिए यानी मिट्टी का बर्तन लेने के लिए वो पोटर के पास चले गया, चला गया। अब देखो पोटर क्या रिप्लाई करते हैं, द पोटर सैड, अब जो पोटर है वो कहता है द पोटर सैड बट हाउ डू आई मेक अ पोट, अच्छा मैं तुम्हारे लिए भी कैसे पोट बना दूं, राइट, गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट, क्ले पिट से मेरे लिए पहले क्ले लेकर के आओ। क्ले बच्चों मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है, और कौन सा मिट्टी बच्चों, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो पोटर कहता है तुम ऐसा करो जाओ क्ले पिट के पास यानी मिट्टी वाले के पास जाओ, और पहले अपने लिए मिट्टी लेकर के आओ, जब मिट्टी लेके आओगे तभी तो मैं तुम्हारे लिए मिट्टी का बर्तन बनाऊंगा भाई, उससे पहले तो नहीं बना सकता ना मैं तुम्हारे लिए, क्यों, क्योंकि तुम्हें अगर मिट्टी का बर्तन चाहिए तो तुम क्या करो पहले मिट्टी का बर्तन के लिए मिट्टी लेकर के आओ। ओ ये बात है भाई। तो आप सुनो आगे क्या होता है, द भनाटे वेंट टू द क्ले पिट, द भनाटे, अब जो भनाटे है, भनाटे वेंट टू द क्ले पिट एंड सेड, सेड टू इट ओ क्ले पिट, अब वो मिट्टी वाले को बोलता है ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले, मुझे थोड़ा सा क्या दे दो, क्ले दे दो, क्ले यानी मिट्टी दे दो, जिससे भाई मिट्टी का बर्तन यानी पोट बनेगा, मुझे वो दे दो। कौन बोलता है बच्चे, भनाटे बोलता है, भनाटे किसको बोल रहा है, वो क्ले पिट को बोल रहा है, ठीक है। क्ले पिट के पास जाके क्या बोल रहा है कि मुझे क्ले दे दो, और जब क्ले मिल जाएगा तो पोट बन जाएगा, जब पोट बन जाएगा पोट में पानी भर लेगा, जब पानी आ जाएगा तो पानी का क्या करेंगे, अपनी चोंच को यानी बीक को साफ कर लेगा, और जब भाई चोंच साफ हो गई उसके बाद भाई क्रो को यानी भनाटे को अंडा खाने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है भाई एक्चुअल में इसके पीछे रीजन, ठीक है। अच्छा अब पढ़ते हैं भाई, अब सब कुछ मैं बता दूंगा तो फिर अच्छी बात थी ना, पढ़ते हैं और समझते हैं भाई आगे स्टोरी में क्या हो रहा है।
ओ लगता है बहुत आगे आगे, थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ तो अब सुनो भी आगे क्या होता है। हाँ द पोर्टर विल मेक अ पोर्ट फॉर मी। अच्छा वो रीजन बताता है क्लेबिट को, द पोर्टर विल मेक अ पोर्ट फॉर मी, जो पोर्टर होगा वो मेरे लिए क्या करेगा, एक एक बर्तन बनाएगा, एक मिट्टी का बर्तन पोट बनाएगा। और आई विल फिल वाटर इन द पोट, और मैं क्या करूंगा उसके अंदर वाटर फिल करूंगा, पानी भर लूंगा। विद कोल्ड वाटर, और उस ठंडे पानी से आई विल वॉश माई बीक, और उस पानी से मैं क्या करूंगा अपने बीक को वॉश करूंगा। ठीक है बच्चों, बीक यानी चोंच, चोंच को क्या करूंगा वॉश करूंगा, क्लीन कर लूंगा। और जब वो साफ सुथरा हो जाएगा उसके बाद भाई, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक, मैं क्या चाहता हूँ अंडा खाना चाहता हूँ, और अंडे खाने के लिए ही मुझे अपने चोंच को धोना है। चोंच किसे धोएंगे, पानी से धोएंगे, और पानी किस में भरेंगे भाई, पोट के अंदर भरेंगे, और पोट के लिए तुम्हें मिट्टी चाहिए, इसलिए वो क्ले पिट के पास आया हुआ है। ठीक है अब देखो बच्चों, अब जो क्ले पिट है यानी एक तरह से समझ सकते हो मिट्टी वाला, अब मिट्टी वाला क्या रिप्लाई करता है चलो उसकी बात सुनते हैं। अब सुनो, द क्ले पिट सेड, जो क्ले पिट है वो कहता है बट हाउ डू आई डिग द सोइल, मैं इस मिट्टी को कैसे निकालू, कैसे एक तरह से निकाल के तुम्हें दू, बोलता हाउ विल आई डिग, डिग का मतलब खोदना होता है बच्चों वैसे। ठीक है मैं सोइल को, मिट्टी को कैसे तुम खोदू तुम्हारे लिए, गेट ए ट्रोवल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, तुम ऐसा करो पहले ट्रोवल लेके आओ। ट्रोवल क्या होता है बच्चों, ट्रोवल एक टूल होता है बच्चों, खुरपी जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसके उसकी मदद से, उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग मिट्टी निकालते हैं, जैसे फावड़ा वगैरह यूज करते हैं, यानी आप ट्रोवल का मीनिंग समझ सकते हो एक टूल होता है जिसकी मदद से हम लोग मिट्टी वगैरह खोदते हैं। तो जो क्ले पिट है वो कहता है कि तुम ऐसा करो पहले मेरे लिए टूल लेकर के आओ, टूल यानी कि औजार भी हम बोल सकते हैं, और कौन सा औजार, ट्रोवल, ट्रोवल यानी कि खुरपी लेके आओ पहले मेरे लिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें मिट्टी दे दूंगा। और मिट्टी, यार ये ट्रोवल कहाँ से मिलेगा उसके बारे में सुनो, गेट मी अ ट्रोवल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ जो लोहे का काम करता है बच्चों, एक प्रोफेशन है। ठीक है जैसे ब्लैक स्मिथ क्या होता है, एक प्रोफेशन होता है, वे लोग होते हैं जो कि लोहे का काम करते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग लोहार भी बोल देते हैं। तो क्लेपिट कहता है तुम ऐसा करो ब्लैक स्मिथ के पास जाओ, और वहां से तुम ट्रोवल यानी कि खुरपी लेके आओ पहले। खुरपी किस लिए, अरे भाई मिट्टी निकालने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए ट्रोवल की जरूरत पड़ेगी, और ट्रोवल को किसके पास मिलेगा, वो मिलेगा बच्चों ब्लैक स्मिथ के पास मिलेगा। तो जो क्लेपिट है क्रॉ को यानी भनाटे को बोलता है कि तुम जाओ पहले ब्लैक स्मिथ के पास, और पहले क्या लेकर के आओ तुम, पहले तुम लेके आओ खुरपी, खुरपी यानी ट्रोवल लेकर के आओ, उसके बाद मैं मिट्टी निकालूंगा, तुम्हें मिट्टी दे दूंगा, और बाकी तुम जो भी काम है अपना कर लेना। ठीक है अब पढ़ते हैं बच्चों, भनाटे वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेड सेड टू हिम ओ ब्लैक स्मिथ, जो भनाटे हैं बच्चों वो किसके पास जाता है, बनाते ब्लैक स्मिथ के पास चला जाता है, और कहता है एंड सेड टू हिम, और उसे वो कहता है ओ ब्लैक स्मिथ, वो हमेशा जब भी आवाज लगाता है कैसे लगाता है बच्चे, ओ ब्लैक स्मिथ, जैसे आप भी अपने फ्रेंड को बोलते होगे ओए फ्रेंड, ओ अब जो भी इसका नाम है ओए ओए करके बोलते हो ना, वैसे ही भनाटे भी सबको ओए ओए करके बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, ओ ओ ब्लैक स्मिथ, ओ क्लेपिट, ओ रिवर, सबको ओ ओ करके, ओ पोटर, सबको ओ ओ करके ये आवाज लगाता है, कौन भनाटे। अच्छा अब देखते हैं भाई, जब वो ब्लैक स्मिथ के पास पहुंचता है तब भाई क्या होता है, अब उसे पढ़ते हैं ना स्टोरी में आगे क्या होता है। द ब्लैक स्मिथ सेड, जो ब्लैक स्मिथ है वो कहता है यस ब्रदर भनाटे, अच्छा अब जो ब्लैक स्मिथ रिप्लाई करता है उसे, क्या रिप्लाई करता है, यस ब्रदर भनाटे, हाँ मेरे भाई भनाटे बोलो, इस तरह बोलते हैं ना हम लोग, वैसे ही ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहे का काम करता है लोहार, वो भी कहता है कि यस ब्रदर भनाटे व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए बोलो मुझे, तुम्हें क्या चाहिए, क्या बोलता है व्हाट डू यू वांट, भनाटे सेड। अब भनाटे बताता है उसे भाई उसे क्या चाहिए, तो भनाटे कहता है प्लीज गिव मी अ ट्रॉल, क्या दो मुझे, ट्रॉल दे दो मुझे यानी खुरपी दे दो मुझे, ऐसा भनाटे कहता है। और फिर रीजन भी बताता है भाई उसको, रीजन क्या, द क्ले पिट विल डिग आउट क्ले फॉर मी फ्रॉम द ट्रॉल, ट्रॉल यानी कि जो खुरपी है उससे क्ले पिट क्या करेगा मेरे लिए मिट्टी निकाल देगा, यानी कि मिट्टी को खोद करके निकाल देगा मेरे लिए, डिग आउट द क्ले, वो मेरे लिए क्या करेगा क्ले निकालेगा। और उस क्ले जब बाहर आ जाएगा बच्चों तो उस क्ले से क्या किया जाएगा, क्ले से भी आगे बता रहे हैं, और आई विल गेट पोट मीट एंड गेट वाटर इन इट, और जब मुझे क्ले मिल जाएगा उससे मैं क्या बनवाऊंगा पोट बनवाऊंगा, और इस पोट के अंदर मुझे क्या मिलेगा पानी मिल जाएगा। ठीक है तो कह रहा है आई विल गेट पोट मेड एंड गेट वाटर इन इट,
जब मुझे मिट्टी मिल जाएगा, मिट्टी से मुझे पोट बन जाएगा मेरा, आज मेरा पोट बन जाएगा मेरे लिए, उसमें मैं क्या करूंगा, गेट वाटर, और इसमें मैं पानी भर लूंगा, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई वीक, और उस ठंडे पानी से मैं क्या करूंगा, अपना बीक यानी जो मेरे चोंच है उसको मैं साफ कर दूंगा। जब भाई वो साफ हो जाएगा और उसके बाद हमें क्या होगा, ईटिंग द एग इज व्हाट आई सीक, मैं इसे क्या करूंगा, एग को खाऊंगा, क्या करूंगा, एग को खाने के लिए भी मुझे अपना जो बीक है, चोंच है बच्चों, उसको क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ऐसा भनाटे बताते हैं। और साफ किससे होगा बच्चों, पानी से होगा, वाटर से होगा, वाटर किस में भरेंगे, पोट के अंदर भरेंगे, और पोट किससे बनेगा, मिट्टी से बनेगा, और मिट्टी किससे निकलेगा, ट्रवल से निकलेगा, और ट्रवल कौन देगा, ट्रवल कौन देगा भाई, ट्रवल ब्लैक स्मिथ देगा, तो इसलिए ब्लैक स्मिथ के पास भनाटे आया हुआ है। समझ में आ रहा है, कह रहे सर क्या 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 क्या, एक चेन सी बन गई ना, पहले उसके पास, फिर उसके पास, फिर उसके पास, इस तरह से पता नहीं किस किस के पास इस भनाटे को जाना पड़ रहा है। ठीक है, अब सुनो भाई आगे कन्वर्जेशन क्या, उनकी क्या बातचीत होती है वो सुनते हैं बच्चों। अब आगे सुनो, द ब्लैक स्मिथ सेड, जो ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार है वो कहता है, श्योर, क्या कहते हैं, हाँ हाँ पक्का ले जाओ, श्योर यू कैन टेक द ट्रॉल बट डू रिमेंबर टू रिटर्न इट, क्या बोलता है, तुम ले जाओ, श्योर मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम लेके जा सकते हो उसे, तुम्हें चाहिए ना, तुम इसे लेके चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एक बात और, यू कैन टेक, तुम इसे ले सकते हो ट्रॉल, बट क्या बोला, लेकिन याद रखो, डू रिमेंबर टू रिटर्न इट, और मुझे ये वापस भी देके जाना, मतलब तुम ले जाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लेके जाओ इसको, लेकिन मुझे इसे वापस जरूर देके जाना, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा ब्लैक स्मिथ बोलता है यानी जो लोहार है वो बोलता है कि तुम इस खुरपी को लेके जाओ लेकिन मुझे इसे वापस करना मत भूलना। वैसे ही जैसे आप क्लास में अपने दोस्त से कुछ चीजें लेते हैं, कभी इरेजर लेते हो, कभी पेंसिल मांगते हो, जब भी अपने फ्रेंड से मांगते हो तो आपका दोस्त भी तो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं तुम ले जाओ, पर रिटर्न करके जाना भाई, यानी इसको इस्तेमाल कर लो, इस्तेमाल करने के बाद इसको रिटर्न जरूर करना, भूलना मत। वैसे ही ब्लैकस्मिथ भी कौवे को यानी भनाटे को बोलता है कि तुम इसे ले जाओ बट डू रिमेंबर, याद रखना इसे वापस भी करना है। तो ठीक है, अब आगे सुनो, भनाटे took the trowel and went to the clay pit. अच्छा, बनाटे क्या करता है, उस ट्रॉल को लेकर के क्ले पिट के पास चला जाता है, it dug the soil and got some clay. और वो क्या करता है कि भी उस गड्ढे मतलब मिट्टी को निकालता है और उसके लिए सोइल दे देता है, सोइल यानी मिट्टी कह सकते हो, ठीक है, कि जमीन से मिट्टी वो निकाल देता है और उसके लिए, और वो कुछ क्ले लेकर के चला जाता है, किसके पास जाएगा भाई, वो जाएगा पोटर के पास, तो इसलिए बोला जा रहा है द पोटर मेड अ पोट फॉर हिम, जो पोटर होता है वो उसके लिए पोट बना देता है, पोट यानी कि मिट्टी का एक बर्तन बना देता है, ठीक है, गमला टाइप का कह सकते हो जिसके अंदर वो पानी भर सके, ठीक है, तो वो उसके लिए एक पोट बना देता है और उसके अंदर वो पानी भर सके। अब भनाटे फिल वाटर इन इट, और भनाटे क्या करता है, भनाटे यानी इस कौवे की बात की जा रही है बच्चों, वो क्या करता है इसके अंदर पानी भर लेता है, भनाटे फिल्ड वाटर इन इट इन द पोट एंड वॉश इट्स बीक, वो क्या करता है इसमें पानी भरता है और अपनी जो बीक है यानी जो चोंच है उसको भी वॉश कर देता है, वॉश यानी उसको साफ कर लेता है, कहीं गंदा वंदा है ना, पता नहीं क्या क्या खाता रहता है कौवा, तो उसको पहले साफ कर लेता है, ठीक है, और जब वो साफ हो जाता है उसके बाद सुनो भाई आगे क्या होता है, He then ran to eat Fugdi's egg. फिर उसके बाद फुगड़ी यानी जो स्पैरो है, स्पैरो का एग खाने के लिए, उसका अंडा खाने के लिए फटाफट वहां से भाग जाता है। कौन भागता है बच्चों? अरे भाई भनाटे भागेगा, और कौन भागेगा? किसके पास? फुगड़ी के पास। फुगड़ी किसका नाम है? स्पैरो का नाम है, ठीक है, वो जाता है स्पैरो के पास ताकि उसे स्पैरो का अंडा खाने को मिले, ठीक है। लेकिन भाई आगे देखो टर्निंग पॉइंट क्या होता है स्टोरी में, स्टोरी में तो बच्चों कुछ और ही होने वाला है, देखो क्या होता है। बाय द टाइम द स्पैरोस एग हैच्ड, अच्छा इतने देर में जब तक वो भाई रिवर के पास जाता है, पोटर के पास जाता है, क्लेपिट के पास जाता है, ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, अपने लिए पोट बनवाता है, पानी भरता है और ये सारी चीजें जो कर रहा था, इतना जो इतने टाइम लगा है, इस टाइम में क्या होता है, जो एग होता है हैच हो जाता है, यानी एग फूट चुका होता है और उसमें से अ लिटिल बर्ड केम आउट, और उसमें से एक छोटी सी बर्ड यानी जो स्पैरो है, फुगड़ी, फुगड़ी का बच्चा यानी फुगड़ी अगर मदर स्पैरो है बच्चों, तो उसकी एक बेबी स्पैरो, छोटी सी बच्ची स्पैरो निकल आती है, अ लिटिल बर्ड केम आउट ऑफ इट एंड फ्लू अवे, और ये दोनों क्या करते हैं, दूर भाग जाते हैं, फार अवे फ्रॉम द भनाटे, भनाटे यानी जो कौवा है इससे बहुत दूर ये दोनों उड़ करके भाग जाते हैं। कौन भागते हैं? मदर स्पैरो एंड
बेबी स्पैरो, दोनों के दोनों अपनी जान बचा करके कि भनाटे से बचने के लिए दोनों के दोनों भाग जाते हैं। ठीक है, जब तक भी वो पानी लेने जाता है, अपने चोंच को लेके आता है, धोता है, साफ करता है, इतने में तो जो बेबी स्पैरो है और जो फुगड़ी है, फुगड़ी यानी जो ममा स्पैरो है, दोनों भाग जाते हैं। तो बच्चों एक्चुअल में स्टोरी ये थी, स्टोरी में आपको ये पता लगा कि पोट बनता कैसे है। ठीक है, कैसे बनता है पोट? पानी से बनता है और क्ले से बनता है। और क्ले कौन देता है? अभी क्ले क्ले पिट देता है। और क्ले हम कैसे निकालते हैं बच्चों? क्ले हम निकालते हैं किस चीज से, बताओ बताओ कमेंट करके। क्ले निकालते हैं ट्रॉल से, ट्रॉल यानी कि जो खुरपी से निकालते हैं। और इसको कौन बनाता है? इसे ब्लैक स्मिथ बनाता है बच्चों। तो जब तक ये सारा प्रोसेस करे कौआ बनाटे, तब तक तो भाई ये अंडा फूट चुका था, बेबी स्पैरो ने उड़ना भी सीख लिया और दोनों मदर स्पैरो और बेबी स्पैरो दोनों भाग गए थे। तो बच्चों अब ये बताओ भाई स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को, मजा आया या नहीं आया? अगर मजा आया तो लिखना यस, अगर आपको बोरिंग लगा तो लिख सकते हैं नो सर, क्या लिखोगे? नो, इसका मतलब ये है कि आपको भी पसंद नहीं आई स्टोरी। अगर पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, यस वाई एस लिखना है बस, अगर किसी को इतना भी टाइम नहीं है वाई लिखने से भी हो जाएगा। ठीक है, वाई फॉर येलो जो होता है ना, वाई फॉर यस भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैसेज आपके लिए क्या है पहले वो समझो बच्चों। अब आपके लिए मैसेज ये है स्टोरी के अंदर बच्चों, कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, और आपको समझ में ना आए क्या करना है, तो उस टाइम आपको डरना नहीं है। अगर आप स्केयर्ड हो रहे, डर भी रहे हो, तब भी आपको क्या करना है? दिमाग लगाना है, मन को शांत करना है, और जो भी इसके लिए सोल्यूशन निकाल सकते हो वो सोल्यूशन आपको निकालना है। जैसे जो स्पैरो को बहुत डर लग रहा था, यानी जो फुगड़ी थी उसे बहुत डर लग रहा था कोई कहीं इसका अंडा ना खा ले। ठीक है, डर गई थी ना वो, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक ट्रिक निकाली। क्या बोला? जाओ तुम पहले अपना बीक यानी जो चोंच है उसको धो के आओ, और जब तक ये इसका चोंच धो के आती तब तक तो भाई इसमें से एग में से ये बेबी स्पैरो निकल चुकी थी। एक लिटिल बर्ड, बेबी स्पैरो जिसे मैं बोल रहा हूँ, वो छोटी सी बर्ड निकल के इसमें आ गई थी और दोनों के दोनों वहां से उड़ के भाग गई थी। तो स्पैरो ने ये ट्रिक निकाली और अपना एग भी बचा लिया और उस एग में से अपना बच्चा भी बचा लिया। ठीक है बच्चों, तो आज की स्टोरी इतनी थी बच्चों, आज के इस चैप्टर में इतना। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टोरी पढ़ा अच्छे से, सेकंड पार्ट जो मैं करवाऊंगा बच्चों उसके अंदर हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक नहीं भी किया आपने सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो भाई, और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर दो तभी आपको पता लगेगा वीडियो कब आती है, नहीं तो पूछते रहोगे सबसे सर कब आता है कब आता है, भाई बेल आइकन प्रेस करना पड़ता है बच्चों, तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपके पास। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, बाय बाय। और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक भी कर दो। ठीक है, चलो बाय।